पैसे वगैरह एटीएम से निकलवा के मैं आ गया था इधर प्लाजे में। प्लाजे से कुछ सामान थोड़ा बहुत ये मैंने उठा लिया है, दो चीज़ें अभी बाकी सामान उठाते हैं, फिर बिल वगैरह करवा के और काम शाम करके फिर घर की तरफ वापस जाएंगे। अभी सामान वगैरह उठाते हैं फिर वो दिखाते हैं। गाइज आई होप कि आप सब खैर से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैन ब्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो ज्वाइन और सब्सक्राइब करके पहले आइकन को दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो अपडेट हो सके। अभी मैं घर गया था, कॉलेज से छुट्टी हो गई थी, फिर घर गया हूँ तो फिर काम शाम थे, फिर मैं वापस रुईला वाली शहर आ गया हूँ। अभी रुईला वाली शहर मौजूद हूँ तो मैंने थोड़ा साइड पर होकर मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। अभी मैं थोड़ा साइड पे आया हूँ तो थोड़ा साइड पे होकर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, तो वेलकम हो गया आप सबका अनदर व्लॉग के अंदर। इसी के साथ ही मैं जो काम थे वो करने चलते हैं। पहले तो थोड़े बहुत पैसे निकलवाने थे बैंक से, एटीएम से, वो पैसे निकलवाते हैं फिर वहाँ जाके आपको मिलते हैं। पैसे मैंने लिए पकड़, अभी चलते हैं शहर, काम शाम करते हैं, फिर कर जाएंगे। पैसे वगैरह एटीएम से निकलवा के मैं आ गया था इधर प्लाजे में। प्लाजे से कुछ सामान थोड़ा बहुत ये मैंने उठा लिया है, दो चीज़ें अभी बाकी सामान उठाते हैं, फिर बिल वगैरह करवा के और काम शाम करके फिर घर की तरफ वापस जाएंगे। अभी सामान वगैरह उठाते हैं फिर वो दिखाते हैं। सामान वगैरह लेके मैं हो गया था फारिग और उसके अलावा मुझे जो काम जाम थे वो भी मैंने निपटा लिए। एक और काम था मोबाइल का, मोबाइल पर पीटी प्रूफ बनाना था तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे तो अभी वो काम नहीं हुआ। अभी घर चलते हैं, घर चल के देखेंगे कि डॉक्यूमेंट लेके दोबारा आना है या फिर सुबह दोबारा आके करा लूँगा। फिर अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ यहाँ से तो अभी चल रहे हैं घर की तरफ वापस। अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। घर वापस आ गए थे तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मस्जिद आया हूँ, मस्जिद में आके नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी ये देखें जी, मैं आपको पहले अपनी मस्जिद दिखा दूँ माशाल्लाह से। ये देख काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है हमारी बस्ती की। तो इसके साथ ही इधर हमारी मस्जिद में जो है ना आज आए हुए थे जो तबलीग वाले होते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को तबलीग वाले से मिलवाया जाए। वो अभी फिर आपको उनसे चलते हैं। अभी मैं तो बाहर ही हूँ लेकिन मैंने पता किया तो पता चला कि वो अंदर बैठे हैं सारे। अभी चलते हैं अंदर, उनसे मिलवाते हैं आपको और उनके साथ बैठ के जो होगा वो आपको बताते दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं बैठ आगे बैठ के दरमियान में फिर तबलीग ले। सारे मुसलमान बल्कि हज़रत सल्लम की उम्मत जो है ना इस रास्ते के लिए, इस तबलीग दावत के लिए चुने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी ने अल्लाह ताला के अहकाम पूरा किए और अपने हज़रत सल्लम के तरीक़ों पर चले तो अल्लाह ताला इसको दुनिया में भी कामयाबी नसीब करेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला इसको कामयाबी नसीब करेगा। तो इसलिए हम ये अल्लाह ताला के एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक कलमा नसीब फरमाया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। तो इस कलमे का लफ्जी माना ये है कि अल्लाह के सिवा किसी कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल। मेरे भाइयों और दोस्तों, और इस कलमे का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से हर होने का यकीन और गैरों से न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए,
कि अल्लाह ताला अपने इरादे से सब कुछ कर सकता है और मखलूक अल्लाह के इरादे के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। अगर सारे इंसान मिलकर एक इंसान को इज़्ज़त देना चाहते हैं लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसकी इज़्ज़त की इरादा नहीं फरमाया हो तो इसको इज़्ज़त नहीं दे सकते। और अगर सारे इंसान चाहे किसी इंसान की बेइज्जती करते हैं, रुसवा करते हैं, उसको जलील करते हैं, जब अल्लाह ताला ने इसके जलील होने की इरादा नहीं फरमाया हो तो वो जलील नहीं कर सकता। कि ये यकीन हमारे दिल में आ जाए और इस बातों की तस्दीक के लिए ताला कुरान पाक में ये वाक़यात हमें भेजे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने कितना मंसूबा बनाया कि हम इसको ख़त्म करें, ये दुनिया से इसको हटाए, कि ये हमारे बूतों की बुराई बयान करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, एक अल्लाह जो है ना वो सब कुछ कर सकता है। तो इसके लिए कितनी तरकीबें की, वो लकड़ी जमा करके 6 महीने लकड़ी लाए और लकड़ी को इकट्ठे किए, फिर इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया कि ये जल कर ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक, ये आग जो है ना अल्लाह की मखलूक, वो आग जो है ना इसके लिए गुल गुलजार बन गई। और इसी तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप इसको ज़बह करें, तो ज़बह करने के लिए जब ले गए छुरी इसके गले पर लगाया, छुरी तो काटना काटती है, उसका काम क्या है, किसी चीज़ को काटना, लेकिन जब अल्लाह ताला के हुक्म नहीं हुआ तो वो छुरी ने उसके गला नहीं काटा। आजमाइश अल्लाह ताला ने की इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो इसी तरह जब हमारा ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं और इंसान जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, इस कलमे का मकसद ये है, और हज़रत सल्लम के तरीक़ों पे हमारे कामयाबी का यकीन और गैरों के तरीक़ों पर हमारी नाकामी का यकीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने इनसे तबलीग हासिल की और इंशाल्लाह अब अपने साथियों को भी लेके आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, और ख़ुद भी इंशाल्लाह अब हर किसी को बोलेंगे कि हर आएँ और जमात के साथ नमाज अदा करें। तो पहले मैं आया हूँ तो शुरुआत में एक इनका तारफ़ नहीं करा सका, तो अभी मैं तारफ़ कराता हूँ। जी आपका हेड कौन है जी, एक बंदा आप तारफ़ करा आमिर साहब हमारा वो ये जी, आप तारफ़ करवा दें कहाँ से आए हैं, कब शुरू की, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से है जी, और हमारे ये जमात के साथ ही है, एक मस्जिद से 12 साथी हैं जी जी। और मेरा नाम अली बहादुर खान है, इस जमात का जिम्मेदार साथी हूँ। अच्छा, ये आप हेड आप हैं? हाँ जी। और ये तबलीग कब से शुरू की थी आपने? मैंने तबलीग शुरू की है तकरीबन 1997 से। 1997 से? 1997 से अभी तक पूरे पाकिस्तान में भी, आपके पंजाब में तकरीबन हर साल 40 दिन हमने गुजारे हैं जी, मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ लोगों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका बहुत अच्छा तासर रहा है जी, क्योंकि उन लोगों से हमें भी बहुत नफ़ा पहुँचे हैं कि उनके मिलने की वजह से, उनके दीनी माहौल में रहने की वजह से हमारी काफ़ी नए काफ़ी पैदा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हमें मिले हैं कि दीनी एतबार से उसमें कमी कोताही थी, तो अल्लाह रब्ज़ुद ने हमारे हाथों से, हमारे ज़रिए से उनकी इस्लाह भी फरमाई है। और काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं कि वो दीन से बहुत दूर थे, न नमाज पढ़ते थे, न उसको अच्छी तरह क़लिमा याद था, और न और अहकामातों में भी काफ़ी कमी थी। तो उसी कमी दूर करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, अल्लाह रब्ज़ुद ने रहम करम फरमा कर उनके ये जज्बा बना कि हम पूरे दिन पर चलेंगे और पूरे दिन की दावत देंगे, क्योंकि हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही का ये निस्बत और काम है कि इसी काम के वसात से हम जितना ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्ज़ुद हमारा दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे, और पूरी दुनिया में हमें जाना है इसी मेहनत को और इसी दिन को दूर पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया के ये रोशनी जो नबी अलैहिस्सलाम की वसादत से और साहब किरामों की कुर्बानियों की वजह से हमें मिले हैं, ताकि पूरी दुनिया इसी रोशनी से रोशनास हो सके और आखिरत के लिए हमेशा के लिए अब्दुल आबाद ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सवाल से जो आते हैं आप, हर साल मतलब सिर्फ 40 दिन के लिए आते हैं या फिर एक साल में मतलब कितनी मतलब मरतबा तबलीग के लिए जाते हैं आप? हर साल में हमारी तो तरतीब ये है कि पहले मरतबा हम 4 महीने लगाते हैं जी, 4 महीने लगाने के बाद 2 मरतबा,
हम सालाना चिल्ले के लिए आते हैं 40 दिन के लिए, 40 दिन चिल्ले में। हर साल हम कोई दूसरे साल हम कोशिश करते हैं कि बैरून मुल्क में भी जाए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे ये तबलीग का सिलसिला जारी चलता रहे ताकि और लोगों को भी बहुत फायदा पहुँचे। अच्छा, बैरून मुल्क कभी गए हैं तबलीग के लिए? बैरून मुल्क के लिए भी दो तीन दफ़े गए हैं। अफगानिस्तान नहीं, यमन में भी गए थे और ये दूसरी मुल्कों में अफ्रीका में गए थे। अफ्रीका में गए थे, इसी दावत के सिलसिले में हम गए थे और काफ़ी लोगों की वसूली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करवाई है। इसी मेहनत में लगे हुए हैं, क़यामत के दिन तक वो मेहनत करता रहेगा तो हमारा मलामी में उसका पूरा अजर लिखता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम हुई इनसे जो हमें मालूम नहीं थी, तो अब हम भी अपने दोस्तों को लाएंगे यहाँ पे, उनको भी जो हम इन जो हम लोगों ने इनसे सीखा वो हम अपने दोस्तों को देंगे जो हमने इनसे इल्म सीखा। तो फिर अभी नमाज का टाइम है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। इससे होके मैं आ गया था घर की तरफ वापस, तो अभी अंदर घर जाएंगे, कोई खाना वगैरह खाते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। और तो मैंने सोचा कि मस्जिद से आ गया हूँ तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो पर जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।